स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और इसमें हम देखेंगे बेकमैन्स प्लांट, ठीक है, या बेकमैन्स मेथड हम देखेंगे। और इसके अंदर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम एनिमेशन देखेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या मौजूद है। ये एक हमारे पास जो है वो कास्ट आयरन का टावर मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कास्ट आयरन का टावर मौजूद है जिसके अंदर एक हॉपर लगा हुआ है यहाँ पर, जिधर से हम जो है वो इसके अंदर जो है वो इनलेट होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि और इसके अंदर जो है वो, इसके अलावा हम यहाँ का देख रहे हैं इनलेट्स मौजूद हैं डिफरेंट, ठीक है। और जैसा यहाँ पर हमने क्या कहा, हॉपर है, हॉपर से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनलेट्स यहाँ पर जिस तरह का हॉट एयर का इनलेट है, इस तरह क्लोरीन के लिए इनलेट है और वेस्ट गैस के लिए यहाँ पे इनलेट है, ठीक है। यानी यहाँ से हॉट एयर डालेंगे और यहाँ से क्लोरीन हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि ये कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। और हम यहाँ पर अब जो है वो इसके अंदर भी देख लेंगे कि ये इसके इनसाइड जो होता है वो क्या होता है, क्योंकि अभी हमने जो है वो इसकी आउटसाइड लुक देखी, अब हम इसकी इनसाइड लुक देखेंगे। इनसाइड लुक में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि क्लोरीनेटिंग टावर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है इसे हम क्लोरीनेटिंग टावर कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट शेल्व्स लगे होते हैं, ठीक है, ये शेल्व्स होते हैं। और इसके अंदर जो है हम देखते हैं कि 8 रोटेटिंग रेक्स लगे होते हैं, ठीक है। ये इनको रेक्स या रैक्स कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास मौजूद है ये 8 होते हैं, ठीक है ना। और ये हम देखते हैं ये कॉम्ब लाइक होते हैं, यानी कि ये टूथ जो होते हैं इनके दांत दाने दाने से या दांत दांत से निकले होते हैं इस तरह से, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ से हम जो है वो क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये उसका इनलेट है, ये हॉट एयर का इनलेट है, ठीक है। और ये बीच में जो है वो शेल्व्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे को सारे किस लिए मौजूद होता है, ताकि हम देखें कि एफिशिएंट हमारे पास जो है वो रिएक्शन हो, ठीक है, प्रॉपर जो है वो हम देखें कि रिएक्शन हो, ठीक है। और ये हमारे पास क्लोरीनेटिंग टावर है जो कि हमने कहा कास्ट आयरन का बना हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर से रोटेटिंग, बेसिकली यहाँ से ये जो है वो रोटेट हो रहा होता है, ठीक है। और नीचे हमने क्या रखा होता है, नीचे हमने जो है वो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हमें हासिल होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसको ये जो रोटेटिंग रैक्स हैं ये भी रोटेट इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जो हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं वो सारे क्या है, वो रोटेट करने की वजह से वो जो है वो इस तरफ को आए, ठीक है, यानी कि इसकी तरफ आए और मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर हो सके, ठीक है। तो ये जो रोटेट करेंगे तो ये अपनी तरफ इनको जो है वो खींच लेंगे। और हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास स्लेक्ड लाइम होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में जो कंप्रेस्ड एयर होती है, ठीक है, ये दोनों चीजें जो है वो क्या करते हैं, हम यहाँ से जो है वो हॉपर से जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हमने ऐड किया, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो यहां पर क्या होता है, काउंटर करंट प्रिंसिपल फॉलो होता है, यानी कि यहां से स्लेग लाइम आएगा नीचे, ठीक है, यहां से स्लेग लाइम आ रहा है और यहां से हम देखते हैं क्लोरीन गैस जो है उसको हम जो है वो यहां से भेजेंगे, ठीक है। और इसी तरह हॉट एयर भी मौजूद होगी, तो ये हॉट एयर और क्लोरीन गैस जो है वो यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे, यहां से स्लेग लाइम जो है नीचे की तरफ आएगा, इसे कहते हैं काउंटर करंट प्रिंसिपल। और इसे जो है हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो है वो हमें यील्ड हासिल होगी, ठीक है, और इससे जो है वो एफिशिएंट रिएक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है ना। और ये देखें जो ये रोटेटिंग रैक्स हैं ये तो वैसे ही रोटेट करने की वजह से चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो चीज नीचे आ रही है उसको भी अपनी तरफ लेकर आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और यहां से जो क्लोरीन आ रही है वो भी अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहां पर जो है वो रिएक्शन होता है स्लेक लाइम का विद कंप्रेस्ड एयर, और हम देखते हैं कि जो हमने यहां से इंट्रोड्यूस की थी और क्लोरीन यहां से इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, स्लेक लाइम एंड कंप्रेस्ड एयर और यहां से हॉट एयर एंड क्लोरीन, ठीक है, जो कि ऊपर जाएंगे और यहां से स्लेक लाइम नीचे आएगा। अब देखिए ये जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है जो हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि हम देखते हैं स्लेग लाइम जो हमारे पास है, ठीक है, वो ऊपर से आया, क्लोरीन गैस नीचे से, और हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन गया और साथ में वाटर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो भी और जो वेस्ट गैसेज, ठीक है, क्योंकि वेपर्स की फॉर्म में आएगा क्योंकि हॉट एयर भी हमने इंट्रोड्यूस की थी, तो हम देखते हैं कि यहां से जो है वो वेस्ट गैसेज जो है वो आउट चली जाएंगी, ठीक है, बाहर चली जाएंगी, और जो ब्लीचिंग पाउडर है इसके पैलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो हमारे पास यहां पर आ जाएगा, ठीक है, यहां पर हम हासिल कर लेते हैं और फिर हम इसको जो है वो इसको प्रॉपर जो है वो पैक करते हैं कंटेनर्स में, ताकि इसमें से क्लोरीन जो है वो इसमें से जो है, क्योंकि ये क्लोरीन रिलीज कर सकते हैं ना, क्लोरीन गैस, तो ये हम देखते हैं कि हम मेक श्योर करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन जो है वो रिलीज ना हो या एस्केप ना करे, क्लोरीन लूज हो जाए तो हम देखते हैं कि ये अपने जो ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग जो इसकी पावर होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा हम यहां पर ये देखते हैं कि यहां पे स्लेक लाइम जो हमने यहाँ पर यूज किया है वो कौन सा था, वो हमारे पास जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, यहाँ पाउडर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है ना, ताकि वो जो है वो एफिशिएंट हमारे पास रिएक्शन हो, ठीक है, क्योंकि हमने रिएक्शन की एफिशिएंसी देखें, जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो मैक्सिमम यील्ड आए, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। तो हम देखते हैं कि स्लेक लाइम हम जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में यूज करेंगे और यहां से हम जो है वो क्लोरीन गैस इंट्रोड्यूस करेंगे, यहां से हम हॉट एयर, ठीक है, हॉट एयर और क्लोरीन
एक साथ इसलिए इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि ये दोनों जो है वो ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है, पॉसिबल हो, यानी कि हॉट एयर ये इंश्योर करेगी कि क्लोरीन जो है वो ऊपर की तरफ जाए और हमारे पास जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर जो है वो रिएक्शन हो, पॉसिबल हो, ठीक है। और स्लेक लाइम के साथ हमने कंप्रेस्ड एयर इसलिए यूज की ताकि वो जो है वो नीचे की तरफ जाए, ठीक है। और जब ये रैक्स जो है वो रोटेट कर रहे होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो ज्यादा ज्यादा मिक्सिंग होगी जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होगा, जो कि हमने यहाँ देखा कि स्लेक लाइम जब क्लोरिन के साथ रिएक्शन करते हैं तो सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर बनता है और साथ वाटर बनता है, ठीक है। तो जो वेस्ट गैसेज होती है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज हासिल हो रही होती है, हमारे पास यहाँ पर नीचे बॉटम पर जो है वो हमने जो कंटेनर रखा होता है जिसके अंदर हम जो है वो ब्लीचिंग पाउडर को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हासिल कर लेते हैं। और ये हमने स्टडी किया क्या चीज, ये हमने स्टडी किया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बाय बेकमैन्स मेथड।